तुमने हमारे सर की कसम खाई थी कि तुम इस लड़की से कभी नहीं मिलोगे। तुमने वो कसम तोड़ दी और हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन अन्नू, अब जो तुम कह रहे हो, अगर तुमने वो किया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सॉरी बड़े पापा, शायद मैंने आपकी कसम तोड़ी, इसी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है। लेकिन शादी करने के बाद से मैं बस घुट घुट के जी रहा हूं। गोली मुझे अब लगी है बड़े पापा, लेकिन मैं रोज रोज मर रहा हूं। जिंदगी से इतना तंग आ गया हूं कि जब आतंकवादियों ने मुझे पकड़ा था तब रोज मरने की दुआ मांग रहा था। अब खड़े-खड़े देखते रहेंगे या इस लड़की के खिलाफ कुछ एक्शन भी लेंगे? मैम, मैं माफी चाहता हूं जो कुछ हुआ उसके लिए, लेकिन अगर ये बात बाहर गई तो हॉस्पिटल की बहुत बदनामी होगी। मैम, डॉक्टर साहब, हमारे बेटे को छुट्टी दे दीजिए।